आज हम लोग जा रहे हैं कैंपिंग के लिए। अभी का टाइम हो रहा है 4 o'clock इन द आफ्टरनून, सो फाइनली हम लोगों को खाने के लिए मिलेगा। वैली देखो, बैंगलोर से जस्ट हम लोग 30 किलोमीटर बाहर आए, उसमें ऐसे वैली नजर आ रहा है। तो आज का प्लानिंग के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं कैंपिंग के लिए। तो अभी का टाइम हो रहा है 11:26 एंड हम लोग निकलते निकलते थोड़ा लेट हो गया। ब्रेकफास्ट हम लोग किए नहीं है, लेट हो गया फिलहाल, फिर भी हम लोग ब्रेकफास्ट किए नहीं है। जो भी होगा कैंप साइट में होगा एंड जो भी बात करेंगे कैंप साइट में करेंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल लव टू राइड गाइज। होप आप लोगों को हम लोग का कलकत्ता वाला सीरीज पसंद आया होगा। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हो तो जाके चेकआउट करो। हम लोग बैंगलोर टू कोलकाता, कोलकाता टू बैंगलोर किए हैं एंड काफ़ी सारा पीआर भी मिला है वो सीरीज के थ्रू। बट देखो रोड देखो भाई, बाप रे बाप, ये तो मज़ा है। आज हम लोग रैम्बो को लेके निकल आओ। रैम्बो बोले तो ये रॉयल एनफील्ड बुलेट क्लासिक का है, सिग्नल वर्सन है, उसको हम लोग मॉडिफाइड किए हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं उन लोगों के लिए जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, इसका नाम मैं रखा हूँ रैम्बो और जो 390 है उसका नाम मैं रखा हूँ रॉकी। सो रॉकी अभी रेस्टिंग पीरियड में है। तो चलो गाइस आज हम लोग लेंगे कैंपिंग का मज़ा। ऑलरेडी हम लोग कैंप साइट वगैरह बुक करके रखा हूँ, बायट ऑप्शन भी चूज करके रखा हूँ। जस्ट जाके पेमेंट ऑप्शन है, पेमेंट करना है जाके एंड हमारा टेंट को पिच करना है। सो अभी टाइम है ड्रोन उड़ाने का। ये बहुत जबरदस्त रूट है भाई। हम लोग जस्ट बेंगलोर से कितना किलोमीटर आए, 30 किलोमीटर आए। श्रीपन्ना का हाथ में जो देख रहे हो वो ट्राइपॉड है, वो रखने के लिए जगह नहीं मिला। एक्चुअली रखने के लिए रख सकता था पैनियर्स के ऊपर, लेकिन आज हम लोग स्लीपिंग बैग कैरी नहीं किए क्योंकि गर्मी काफ़ी है, स्लीपिंग बैग कैरी करने का जरूरत नहीं है। हम लोग के पास ऑलरेडी मैट्रेस है। तो चलो कैंप साइट में जाके बताएंगे क्या क्या कैरी किया हूँ, क्या क्या नहीं किया हूँ। तो आप लोग तब तक ये ड्रोन शॉट का मजा ले लो। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच रहे हैं कैंप लोकेशन में, देखता हूँ। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, इधर से, अरे बाप, सही जगह पे है। तो गाइज हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं कैंप साइट में। जो लोकेशन हम लोग को कुछ मिला है ये वाला लोकेशन कैंप पिच करने के लिए। तो रैम्बो कुछ इधर है, रैम्बो इधर हमारा कैंप टेंट है, इसके अंदर टेंट है और बाकी सब गैजेट वगैरह एंड जो भी है स्लीपिंग मैट्रेस वगैरह सब इसके अंदर पैनियर्स के अंदर है। तो चलो इसको अनपैक करते एंड टेंट को पहले पिच करते, उसके बाद बाकी का काम जो है चालू करेंगे। सो ये है वेलकम ड्रिंक, ये है मसलन जूस। हम लोग ये कैंप साइड में बायोट ऑप्शन चूज किए, तो ब्रिंग योर ओन टेंट। सो हम लोग ब्रिंग किए ऑलरेडी, हमारा टेंट है ऑलरेडी। बायोट बोले तो बायोट का फुल फॉर्म ये है। Thank you.
ये है हमारा स्लीपिंग मैट्रेस जिसके अंदर ऑटो ईयर इन्फ्यूजन है, तो जस्ट इसको प्रेस करने का ज़रूरत है और ऑटोमेटिक ईयर भर जाएगा। मैं दिखाता हूँ ये कैसा है। जो लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं उन लोगों के लिए मैं डिटेल्स अमेजन का जो लिंक है वो मैं ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाके चेकआउट करो। कभी कभी ये नहीं रहता है एक्चुअली, इसके लिए वेट करना पड़ेगा, बहुत ही कम स्टॉक है इसका। सो मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप लोग कैंपिंग करना चाहते हो, ये बहुत ही यूज़फुल है। देखो मेरा हाथ का भी बराबर नहीं है, इससे भी छोटा है ये और इसमें पूरा 2% आराम से सो सकता है। देखो इसका लंबाई कुछ मेरे से भी लंबा है भाई, 6 फीट 4-5 का लोग आराम से सो सकते हैं इसके अंदर। और इसको जस्ट ऐसे प्रेस करना है, ऑटोमेटिक यार आ जाएगा इसके अंदर। तो चलो मैं इसको दिखाता हूँ कैसे करना है। देखो भाई ये अभी पूरा फुल फैल गया है, तो अभी काम क्या है इसको लॉक कर देना है बस। सो सकते हो आराम से, बस सो गए दोनों के दोनों। थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, रेस्ट लेने के बाद कुकिंग का काम में लग जाएंगे। आज का बनाना है हम लोगों को चिकन, चिकन करी एंड राइस, उसके साथ सलाद। तो चलो थोड़ा रेस्ट लेते हैं, रेस्ट के बाद फिर बनाएंगे। और ये देखो पीलो, देख रहे हैं ना पीलो, इनबिल्ट है ये पीलो, ज़बरदस्त है ये। और इसका जो साइज़ है 2 लीटर जो का जो बोतल है उससे भी छोटा है। तो जो लोग मोटरसाइकिल कैंपिंग करना चाहते हो उन लोग के लिए परफेक्ट है, परफेक्ट बोले तो परफेक्ट। खिड़की खोल दे, गर्मी आ रहा है। दिस इज द वेंटिलेशन फॉर अस। सो गाइस अभी चालू करेंगे खाना बनाना। खाना बनाने के लिए हम लोग जो नेसेसरी इक्विपमेंट लाए वो सब पैनियर्स के अंदर है। सो पैनियर से निकालना है खाना बनाने का जो भी सामान है उसको, एंड स्टार्ट करेंगे आज का कुकिंग। सो ये है हमारा 65 लीटर का टॉप बॉक्स एंड इसके अंदर है सारा सामान। सो फर्स्ट चीज़ जो है चिकन, एंड उसके साथ ऑयल वगैरह चाहिए, ये सब ले लेते हैं। एक कढ़ाई लेकर आई हूँ बड़ा वाला, इसको लेते हैं। चलो तो इसमें बनेगा आज चिकन हम लोग। ये हमारा सरसों का तेल। अभी पैनियर्स के अंदर है हमारा खाना बनने का इंग्रेडिएंट्स, तो मसाला वगैरह इसमें है। एक खीरा लेकर आई हूँ और एक कैप्सिकम, ये अभी नहीं लगेगा एक्चुअली, रात में लगेगा, तो इसको निकालना जरूरी नहीं है अभी। और ये है हमारा यूटेंसिल्स, इसके साथ है ऑनियन आलू, ये सब लेना पड़ेगा, इसके अंदर है। चलो अभी खाना बनाने का बारी आ चुका है, एक एक करके सबको सेटअप कर लेते हैं। चिकन को ना मैं क्लीन कर लेता हूँ, थोड़ा क्लीन तो था फिर भी क्लीन करना ज़रूरी है। ये है हमारा छोटू सा गैस जिसमें आज हम लोग बनाएंगे खाना। मैं चिकन को मैरिनेट करके रखता हूँ एंड उसके बाद राइस बैठा देंगे, राइस होने के बाद फिर चिकन बनाएंगे, ये सही रहेगा, ये प्लान सही रहेगा। तो चलो चिकन को पहले मैरिनेट करते हैं। ये इसका काम जो है श्रीपन्ना का डिपार्टमेंट है, तो मैं श्रीपन्ना को देता हूँ, वो कैमरा मेरे पास आएगा अभी। पहले जाएगा थोड़ा हल्दी, उसके बाद हमारा चिकन मसाला पूरा ही डाल देंगे। ये है 500 ग्राम चिकन, ये हमारा सरसों का तेल, क्योंकि चिकन हम लोग मस्टर्ड ऑयल से बनाते हैं हमेशा, ऐसे ही नॉन वेज हम लोग इससे ही बनाते हैं।
मैरिनेशन का काम हो चुका है, अभी इसको साइड कर देते हैं एंड सब्जी को काट लेते हैं। चलो कटिंग स्टार्ट करते हैं। पहले कटिंग होगा ऑनियन का। टमेटो ये छुरी ना काफ़ी ज़बरदस्त है, हमने ये डिकाथलॉन से लिया था बट इसका शार्पनेस काफ़ी बढ़िया है, एक साथ सब काम हो जाता है इससे, मतलब ऊट भी कट जाता है ऐसा है। चलो अभी राइस बैठा देते हैं। हवा तो चल रहा है, बंद ना हो जाए बस, वो ध्यान रखना है। हवा जो है काफ़ी तेज़ दे रहा है यार। एक्चुअली गैस का हम लोग कवर नहीं लिए तो ऐसा एक जुगाड़ लगाया, अब एक साइड से ही है, बाकी साइड से ओपन ही है, तो पता नहीं, ये तो देखते क्या होता है, अभी क्या कर सकते हैं। कवर नहीं है तो जुगाड़ करना पड़ेगा, अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है पैनिया को खोल कर लेके आना पड़ेगा अभी। उसके बाद ही जुगाड़ हो जाएगा। लास्ट टाइम भी हम लोग सेम चीज़ किए थे बट हाँ वो तो काफ़ी इफेक्टिव था बट इसमें तो काम नहीं चल रहा है, वो प्रोटेक्टर लेना ही पड़ेगा। गार्लिक को जो है ना चॉप कर रहा हूँ, हमारे पास है उसको क्रश करने का भी जुगाड़, लेकिन थोड़ा चॉप करने पे इसका टेस्ट थोड़ा आता है। कितना बड़ा बड़ा है देखो ये, अभी देखो इससे पेस्ट करेंगे इसको, एकदम छोटा छोटा कर लेंगे। कच्चे मिर्च को करेंगे कटिंग, पहले क्लीन करेंगे इसको। अभी बारी है जिंजर का, जिंजर इतना चाहिए क्या, इतना हाँ लग जाएगा शायद। अभी चिकन में थोड़ा नींबू भी डालेंगे क्योंकि टमाटो जो है एक टमाटो से मज़ा नहीं आएगा, तो नींबू डालना ज़रूरी है। आधा नींबू डालेंगे, पूरा नहीं आधा। और भाई हाँ हम लोग चिकन में टोमेटो डालते हैं, पिछले टाइम कैंपिंग का जो ब्लॉग था उसमें कोई बोला था चिकन में भाई कौन टोमेटो डालता है, हम लोग डालते हैं भाई, हम लोग खाते हैं, खाना तो हम लोग को ही है। अभी टाइम है चिकन का, इतना जल्दी जल्दी सूख जाता है इसमें पानी भी, ये गैस का जो फ्लेम है ना काफ़ी ज़बरदस्त है। तो अभी चिकन बनाने का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं, तो तेल गर्म होने के लिए वेट कर रहे हैं हम लोग, अभी अभी भी गर्म नहीं हुआ है। हवा ना काफ़ी ज़ोर से मार रहा है इधर, बस गिर ना जाए इसको। थोड़ा चीनी डाल दिया क्योंकि चीनी डालने से काफ़ी जल्दी कुक हो जाता है ये और कलर भी काफ़ी अच्छा आता है। तो ये जो कैंप साइट है अभी तक हमने फुल विजिट नहीं किया है, बस आके कुकिंग करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि लेट काफ़ी हो चुका था एंड अभी का टाइम हो रहा है 3:00 ऑलमोस्ट। ये खाना बनाने के बाद, खाना खाने के बाद
शाम को जाएंगे थोड़ा बहुत, ये कैंपिंग जो साइट है इसको एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे बायोट ऑप्शन है, दैट मीन्स आपको आपका टेंट कैरी करना पड़ेगा एंड उसके साथ साथ आप लोग को पानी भी दिया जाएगा एंड आप लोग जो बेसिक चीज़ है वो सब एक्सेस कर सकते हो, जैसे कैंप साइट हो गया, वॉशरूम हो गया, सब एक्सेस कर सकते हो आप लोग। पर इसके साथ साथ आपको इन लोग भी टेंट प्रोवाइड करते हैं एंड उसके लिए सेपरेट पैकेज है, तो वो भी आप लोग ऑप्ट कर सकते हो। सो ये जो लोकेशन है बैंगलोर से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स दूरी पे ही है, ये जो कैंप साइट है इसका लोकेशन है बेसिकली कनकपुरा में। चलो ये ब्राउन हो चुका है, अभी इसके अंदर अदरक एंड लहसुन डाल देते हैं। अभी इसको छिला नहीं होता है, अभी डाल रहे हैं चिकन पीसेस को। भाई स्मेल जो कर रहा है ना उसी में लग रहा है अभी खा लूं, लेकिन क्या कर सकते, अभी तक हुआ नहीं है पूरा। और जो वेदर का कंडीशन है लग रहा है बारिश होने वाला है, तो प्रे करता हूँ खाना खाने के बाद बारिश चालू हो जाए, क्योंकि हमारा जो ऊपर है बारिश गिरेगा तो हम लोग को ऊपर ही आएगा, टेंट में के अंदर चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी थोड़ा सूप बना रही है सिफन नहीं तो राइस के साथ मज़ा नहीं आता है एक्चुअली राइस के साथ जितना ड्राई रहेगा उतना मज़ा नहीं आता है, तो उसके लिए थोड़ा सूप ज़रूरी है हम दोनों के लिए। तो चलो अभी और 15-20 मिनट लगेगा, उसके बाद खाना खाना चालू कर देंगे एंड पेट भर के खाना खाएंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे आज। अभी बनाएंगे सलाद, सलाद में है खीरा एंड ऑनियन एंड ग्रीन चिली भी है, इसको कटिंग कर लेंगे। अभी का टाइम हो रहा है 4:00 इन द आफ्टरनून एंड अभी हम लोग का चिकन बन के रेडी है, सो फाइनली हम लोगों को खाने के लिए मिलेगा। अभी लोगों का टिफिन का टाइम है एंड हम लोग करने जा रहे हैं लंच। देख के तो लग रहा है हो चुका है ये, चलो सर्व करने का बारी आ चुका है। थोड़ा प्लेट थोड़ा छोटा हो गया लेकिन चलेगा, कुछ कर नहीं सकते, अभी थोड़ा थोड़ा करके लेंगे और खाएंगे। भूख इतना तेज लगा है ना भाई साहब, क्या बोलूं। जस्ट हम लोग दो केक खाए थे छोटा, वो भी कप केक दोनों ने, और कुछ नहीं खाए। अभी जस्ट लंच कर रहे 4 बजे, तो भूख समझ सकते हो कितना तेज लगेगा। हमारा टेंट जो है रेडी है, जस्ट यहाँ पे खाना ख़त्म करना है एंड जाके सोना है। खाना कंप्लीट हो गया हम लोगों का, अभी बर्तन धोने का बारी है। ये चीज ना काफी, मतलब खाना खाने के बाद बिल्कुल मन नहीं करता है, अगर रख देते हैं तो सूख जाते हैं सब कुछ, और मुश्किल हो जाता है, और भी मुश्किल हो जाते हैं। बर्तन धोने के लिए हम लोग यूज करेंगे भीम बार, लेमन भीम बार, एड से रह गया तो भीम बार का लेमन भीम बार। सो बर्तन धोना कंप्लीट हो चुका है, अभी चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं, बताते हैं शाम को क्या कर रहे हैं हम लोग। देखो आसपास में कितना सारा मैंगो का पेड़ है और इसके नीचे हम लोग आज खाना बनाए, और इधर छोटा छोटा इतना छोटू सा मैंगो भी आया है इसमें, सी
कितना सारा है, देखो इधर कितना सारा फ्लावर जी के पड़ा है। और इधर है पीछे रैम्बो। काफ़ी दिनों बाद हम लोग रैम्बो से राइड कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि लास्ट ब्लॉग हम लोगों का जो था वो था कोलकाता सीरीज़, एंड उसके पहले भी हम लोग महाराष्ट्र सीरीज़ किए, यरकड नॉट यरकड कूल गए थे, तो सभी रॉकी में ही हुआ, आई मीन हमारा जो KTM 390 एडवेंचर है उसमें ही हुआ। सो इसमें ही बस हम लोग रैम्बो को लेके आए काफ़ी दिनों बाद। प्लेस का जो नाम है बैकयार्ड कैंप है, इसका जो डिटेल्स है हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग अगर चाहते हो बैंगलोर के आसपास अगर कैंपिंग करने का मन है तो डेफिनेटली आप लोग आ सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पीछे आई डोंट नो दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसमें यहाँ पे है बेसिकली एक लेक एंड उसके पीछे ही बस एक पहाड़ है जो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड अभी है सनसेट का टाइम, सो हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा बहुत ड्रोन उड़ाएंगे अभी बिकॉज सूरज फिर से निकल के आया है। हम लोग सोच रहे थे बारिश आएगा बट फाइनली आया नहीं, तो चलो ड्रोन को उड़ाते हैं एंड तब तक के लिए आप लोग ड्रोन शॉट को एंजॉय करो। गाइज अभी का टाइम हो रहा है 7:55 इन द इवनिंग और देखो लाइट है हर जगह पे, हमारा टेंट का उधर भी लाइट है, यहाँ पे एक लाइट है एंड रैम्बो का ठीक ऊपर में एक लाइट है। हम दोनों अभी बैठे हैं इधर, सिपन्ना बैठी है यहाँ पे, मैं तो गया था कैफेटेरिया में बैठने के लिए फ़ैन के नीचे, लेकिन फ़ैन में रुक रहा हूँ तो थोड़ा ठंडा भी लग रहा है और टेंट में रुक रहा हूँ तो थोड़ा गर्मी भी लग रहा है, तो पता नहीं एक मिक्स वाला फीलिंग आ रहा है। अभी हर जगह पर सन्नाटा है, वो कीड़ा का ची 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 वाला साउंड भी है। अभी नाइट में जो प्लान है, हम लोग का पेट अभी तक भरा हुआ है, तो खाना बनाने का जो प्लान है हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, कल सुबह देखेंगे। सुबह थोड़ा हेवी वाला ब्रेकफास्ट बनाएंगे, नाइट में हम लोग के पास वो काप केक वगैरह है वो खा लेंगे, क्योंकि अभी नाइट में थोड़ा ज़्यादा खा लेंगे तो वो डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा हम दोनों के लिए। तो हम लोग सोच रहे हैं जो काप के खा के, नहीं तो लास्ट तक अगर पेट नहीं भरा तो मैगी बना लेंगे, मैगी और ग्रीन टी ये सब बना लेंगे, लेकिन हेवी वाला कुछ भी खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि हम लोग जो लंच किए थे लंच काफ़ी लेट हो गया था लंच करने के लिए, तो इसके लिए ये डिसीजन लिए और ये डिसीजन मेरे ख्याल से सही रहेगा। तो चलो और क्या, और कुछ नहीं, और जंगल में हम दोनों ही है और आगे दो तीन फैमिली भी आए हैं, उन लोग बायोट ऑप्शन चूज नहीं किया, मतलब इधर का जो टेंट है वो टेंट जो है वो टेंट हायर किया है तो वो लोग उधर ही है, तो वो टेंट थोड़ा बड़ा है कंपेयर टू ऑप्टाकोर टेंट है वो। हाँ ऑप्टाकोर टेंट है, यहाँ पे खाना भी शायद अच्छा मिलता है, जो भी कुक है सब नॉर्थ इंडियन कुक है, तो इसके लिए हाँ नेपाल से है तो खाना काफ़ी टेस्टी है शायद। फ्रेंड्स अभी का टाइम हो रहा है 9:30 एट नाइट एंड भूख तो बिल्कुल भी नहीं है अभी, तो खाना भी नहीं है आज, सो चलो अभी सो जाते हैं एंड हम लोग आज का ये ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये एंटायर ब्लॉग अच्छा लगा है तो ज़रूर एक लाइक करना, अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के थ्रू कनेक्ट हो रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन आवर नेक्स्ट ब्लॉग फिर सुन, टाटा गुड नाइट।